तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, हम लोगों का ये जो लेक्चर होगा सॉलिड स्टेट का लेक्चर 10 होगा, और आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स इन डिफेक्ट्स इन सॉलिड कि सॉलिड में कितने टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं। तो देखिए, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सॉलिड में 3 टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं। पहला टाइप होता है स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट। दूसरा होता है नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट। थर्ड टाइप होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो बेसिकली ये 3 टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि क्या होता क्या है स्टोक्योमेट्री, नॉन स्टोक्योमेट्री एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखिए, स्टोक्योमेट्री का मतलब होता है कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर, सॉलिड क्रिस्टल के अंदर, मतलब आपके फॉर्मूले में कुछ भी नुकसान नहीं होगा, मतलब फॉर्मूला उसका चेंज नहीं होगा, उसके अंदर डिफेक्ट आने के बाद भी उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। मैं बताती हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल स्टोक्योमेट्री का बता रही हूँ मैं आपको। सपोज करिए यहां पर ए प्लस है, यहां बी माइनस, यहां ए प्लस, यहां बी माइनस, ठीक है। फिर यहां पर बी माइनस, यहां ए प्लस, यहां बी माइनस, यहां ए प्लस, यहां बी माइनस, यहां ए प्लस, यहां बी माइनस, यहां ए प्लस। ये मैं क्रिस्टल बना रही हूं, ठीक है। NaCl जैसा होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, कैथोड एनोड, कैटायन और एनायन, इस टाइप से। तो ये मैंने बना लिया एक क्रिस्टल टाइप का, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि सपोज टू बी NaCl का है, किसका है, NaCl का है, तो देखिए जितने इसके अंदर कैटायन है उतने ही इसके अंदर एनायन है, ठीक है। अगर स्टोक्योमेट्री का मतलब होता है कि अगर इसके अंदर कोई भी डिफेक्ट आ जाए, सपोज करिए कि यहां पर मैंने ए प्लस को गायब कर दिया और साथ में बी माइनस को गायब कर दिया, तो आप मुझे बताइए कि क्या इसके बाद अगर मैं गिनूंगी इसके अंदर कि कितने एनायन है और कितने कैटायन, तो क्या इनकी, मतलब इनके जो नंबर्स में कोई दिक्कत आएगी क्या, सोडियम के और क्लोरीन के। मान लीजिए ए प्लस सोडियम है और सी एल माइनस जो है वो बी माइनस है, मान लीजिए ये ऐसा है, ठीक है। तो आप बताइए अगर मैंने ए प्लस को हटा दिया, बी माइनस को हटा दिया, तो क्या इनके फॉर्मूले में कुछ चेंज आएगा। अभी क्या रेशियो है, 1:1 है, जितना एन ए है उतना ही सी एल है, और जब मैं इन पॉजिटिव और नेगेटिव को हटा दूंगी तो क्या इसके बाद भी इनके रेशियो में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। ऐसे डिफेक्ट्स को, तो स्टोक्योमेट्री का मतलब होता है कि ऐसा क्रिस्टल सिस्टम जिसके अंदर अगर डिफेक्ट आ रहा है तो सेम नंबर तो पॉजिटिव हट रहा है और सेम नंबर में ही नेगेटिव अगर हट रहा है, तो इनके जो, जब हम इन्हें देखेंगे तो इसके अंदर कोई भी अनुपात में, या मैं बोलूं रेशियो में, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सेम नंबर का ही तो कैटायन इसके अंदर जा रहा है और सेम नंबर से ही इसके अंदर से एनायन जा रहा है। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट, जिसमें कि रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है। नॉन स्टोक्योमेट्री का मतलब होता है कि रेशियो में चेंज आ जाता है, और इम्प्योरिटी का मतलब होता है कि कोई दूसरी जो फॉरन इसका जो मेटल होगा वो आकर इम्प्योरिटी क्रिएट कर देता है। तो इस तरीके से जो है स्टोक्योमेट्री, नॉन स्टोक्योमेट्री और इम्प्योरिटी होता है। हम 1 by 1 सबको डिस्कस करेंगे। तो हमने स्टार्ट किया है स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट। इसके अंदर 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है शॉर्टकी डिफेक्ट, दूसरा है फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो हम 1 by 1 दोनों पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट कि क्या होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है। इसे शॉर्टकी भी बोलते हैं, इसे स्कॉटकी भी बोलते हैं। तो देखते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में पढ़ना। देखिए,
बात करूं अगर मैं सॉल्ट के डिफेक्ट की, तो मैं एक सिंपल सा क्रिस्टल बनाती हूं पहले, आप देखिएगा, ए पॉजिटिव बी माइनस, ए पॉजिटिव बी माइनस, फिर बी माइनस ए पॉजिटिव, बी माइनस ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी माइनस, ए पॉजिटिव बी माइनस, फिर बी माइनस ए पॉजिटिव, बी माइनस ए पॉजिटिव। ये हमारा हो गया टोटल, जितने हमारे पास कैटायन है उतने ही हमारे पास एनायन है। देखिए कोई भी क्रिस्टल इसी तरीके से मिला हुआ होता है, जितने हमारे पास कैटायन है उतने ही एनायन है। शॉर्टकी डिफेक्ट किसी भी सॉलिड में कब क्रिएट होता है, जब सेम नंबर ऑफ एनायन गायब हो जाए और सेम नंबर ऑफ कैटायन गायब हो जाए और सेम नंबर ऑफ कहीं से भी एनायन गायब हो जाए। मतलब कि यहां से ये गायब हो जाए और ए प्लस गायब हो जाए और बी माइनस गायब हो जाए। तो आप देखिए कि अब क्या होगा, डिफेक्ट तो इसके अंदर आ चुका है, ए प्लस गायब हो चुका है, बी माइनस गायब हो चुका है। मतलब जितना कैटायन गायब हुआ है उतना ही क्या गायब हुआ है, एनायन। तो इसके रेशियो क्या है, 1:1, मतलब 1:1 में ही ये जो है गायब हो चुका है। तो इसका मतलब है कि इसके फॉर्मूले में तो कोई भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि सेम नंबर ऑफ कैटायन गायब हुआ है और सेम नंबर ऑफ एनायनों गायब हुआ है। तो इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट, जब सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जो है गायब हो जाए, उसे या डिसलोकेट नहीं बोलेंगे, जब ये एब्सेंट हो जाए, जब ये गायब हो जाए और क्या क्रिएट कर दे, हॉल क्रिएट कर दे। ये क्या होता है, हॉल होता है, जब ये क्या क्रिएट कर दे, हॉल क्रिएट कर दे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट। सपोज करिए कि अगर NaCl का होता, अगर ये NaCl का क्रिस्टल होता तो क्या होता, अभी भी NaCl का रेशियो 1:1 था और आफ्टर दिस डिफेक्ट भी क्या होता है, NaCl का रेशियो 1:1, क्योंकि सेम नंबर ऑफ कैटायन गायब हुआ है और सेम नंबर ऑफ गायब हुआ है एनायन। तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो पहली चीज इसके अंदर ये है कि किस टाइप के जो है मेटल्स में, किस टाइप के सॉलिड्स में जो है ये शॉर्टकी डिफेक्ट क्रिएट होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं जिनके भी कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, ऐसे सॉलिड, ऐसे क्रिस्टल जिनका कि कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, जिन मेटल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, उनमें जो है बेसिकली शॉर्टकी डिफेक्ट क्रिएट होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में आई होप आपको पता होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी CN नंबर, CN नंबर का मतलब होता है सपोज टू बी ये अगर एटम है तो इसके पास कितने, सपोज करिए मैं इसे यहां बनाती हूं या मैं ऊपर बनाती हूं यहां कोने पे, आप देखिएगा, सपोज करिए यहां पर एक एटम है और इससे करीबन 6 एटम और जुड़ रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो ये एटम है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6, क्योंकि इससे 6 अदर एटम जो है टच हो रखे हैं, इसे ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जिन भी मेटल है ना या नॉन मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होते हैं, उन्हीं में ही उसी टाइप के क्रिस्टल में क्या क्रिएट होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट। तो पहला आ गया जब CN नंबर क्या हो, ज्यादा हो। दूसरा पॉइंट आएगा जब कैटायन एंड एनायन के साइज में ज्यादा डिफरेंस ना हो, ज्यादा डिफरेंस ना हो, जैसे कि NaCl, Na और Cl, ठीक है, Cl माइनस Na प्लस, अगर साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो भी जो है शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो किन किन में हो सकता है शॉर्टकी डिफेक्ट, NaCl में, KCl में, ये दो जो है बेस्ट एग्जांपल है। तो आई होप आपको शॉर्टकी डिफेक्ट अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब मैं बात करती हूँ शॉर्टकी डिफेक्ट जिस भी क्रिस्टल में होता है या जिस भी सॉलिड में होता है, वहां पर डेंसिटी का क्या हाल होता है, डेंसिटी हम देखते हैं, डेंसिटी का क्या हाल होता है। तो देखिए मैं बात करती हूँ डेंसिटी की, साइड में डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी का डायरेक्टली जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं बात करूं इस चीज की, देखो डिफेक्ट आ चुका है, ठीक है, तो मुझे बताओ कि जो मास है उसमें चेंज आ गया,
क्योंकि देखिए दो इसके एक ए प्लस और एक बी माइनस, एक कैटायन और एक एनायन गायब हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मास तो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। मैंने तीर का निशान नीचे रख दिया है, मास हो चुका है कम, लेकिन क्या वॉल्यूम में फर्क पड़ा? वॉल्यूम तो उतना ही, वो पूरा का पूरा वॉल्यूम घेरा हुआ है, वॉल्यूम में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब मुझे बताइए यहाँ पर डेंसिटी डायरेक्टली प्रपोर्शनल किसके है? मास के। तो अगर मास कम हुआ तो डेंसिटी भी अपने आप कम हो गई। तो कहने का मतलब है शॉर्टकी डिफेक्ट अगर किसी भी सॉलिड के अंदर आ जाए तो मास भी कम होता है और उसकी डेंसिटी भी कम हो जाती है। डेंसिटी पर भी क्या पड़ता है? इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई होप आपको पूरा शॉर्टकी डिफेक्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं दूसरे डिफेक्ट के ऊपर, फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। डिफेक्ट की तो देखिए फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, देखिए है तो ये भी स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट ही है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में बेसिकली क्या होगा, सेम नंबर ऑफ कैटायन और सेम नंबर ऑफ एनायन गायब नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा। तो मैं वापस से एक सॉलिड क्रिस्टल बनाती हूं, ए पॉजिटिव बी माइनस, ए पॉजिटिव बी माइनस, फिर B माइनस ए पॉजिटिव, हमें सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन बनाने हैं ना, ए पॉजिटिव B माइनस, ए पॉजिटिव B माइनस, फिर B माइनस ए पॉजिटिव B माइनस ए पॉजिटिव। देखिए ये हमने बना लिया सॉलिड क्रिस्टल। अब फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, जब भी किसी सॉलिड क्रिस्टल में सपोज करिए मैंने यहां पर क्या किया, ये हो गया कैटायन, ठीक है ए प्लस है, अगर हम ए प्लस को यहां से तो कर दे गायब, मतलब कि ए प्लस अपनी जगह से गायब हो जाए, ठीक है, और अपनी जगह से गायब होकर कहीं पर भी डिसलोकेट हो गया, सपोज करिए कहीं पर भी, तो मैंने मान लिया यहां पर आ गया, ठीक है ए प्लस यहां पर आ चुका है, अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया है, और ये साइड क्या बोलते हैं हम इसे, अगर मैं इसे पूरे को बंद करूं अच्छे तरीके से, तो इस साइड को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टीशियल स्पेस, खाली जगह जो होती है उसे हम इंटरस्टीशियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी स्पेस पे आ गया अपनी जगह को छोड़कर, तो मतलब डिफेक्ट तो आ गया क्योंकि इसने अपनी जगह छोड़ दी, डिफेक्ट तो आ गया क्योंकि इसने स्ट्रक्चर को जो है खराब कर दिया, तो डिफेक्ट तो आ चुका है। बट स्टोकियोमेट्री में क्यों कोई डिफेक्ट नहीं आया, क्यों मतलब जो है इसकी जो फॉर्मूला है उसमें चेंज नहीं आया, क्योंकि अभी भी इस क्रिस्टल के अंदर सेम नंबर ऑफ कैटायन है एंड सेम नंबर ऑफ एनायन है। भले ही ये डिसलोकेट हो गया, इसने स्ट्रक्चर को खराब कर दिया, ये डिफेक्ट क्रिएट हो गया है, लेकिन अगर मैं बात करूं ये स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट क्यों है, क्योंकि अभी भी इसके फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया, ये उतना ही क्योंकि इसके अंदर अभी जो कैटायन और एनायन है वो इक्वल रेशियो में प्रेजेंट है। हाँ डिसलोकेट हो चुका है बट इक्वल रेशियो में है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट। अब मैं आपको बताती हूँ जो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है वो कैसे जो सॉलिड में होता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कम होता है, क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर कम। देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या था, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है उन क्रिस्टल्स में जो है उन सॉलिड्स में शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है। बट फ्रेंकल डिफेक्ट किन में पाया जाता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है। दूसरे नंबर की मैं बात करूं तो फ्रेंकल डिफेक्ट उनमें होता है जिनमें साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन ज्यादा होता है, मतलब साइज का जो डिफरेंस है इसको मैं लिख सकती हूं डिफरेंस ऑफ साइज, ठीक है डिफरेंस ऑफ साइज, साइज का डिफरेंस अगर कैटायन और एनायन में ज्यादा हो, ठीक है, तो ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं उनमें भी क्या होता है फ्रेंकल डिफेक्ट पाया जाता है। जबकि शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या था कि साइज में कैटायन और एनायन के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता था, जैसे कि NaCl मान लीजिए, KCl मान लीजिए। बट अगर फ्रेंकल डिफेक्ट की बात करूं तो इनके अंदर जो है कैटायन और एनायन में बहुत डिफरेंट होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया जाता है।
ठीक है। अब मैं बात करूं इसके अंदर डेंसिटी की। सबसे पहले मैं बात करती हूँ डेंसिटी की, कि डेंसिटी के बारे में ये क्या कहता है। देखिए डेंसिटी अगेन मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अभी इसका ना तो मास में चेंजेस आया, आप देखो इसके अंदर मास में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड सेम नंबर ऑफ एनायन आर प्रेजेंट इन देयर, ठीक है। तो फिर इसमें मास में कोई चेंज नहीं आया, ऑफकोर्स सी बात है वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आया है, तो सो दैट डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स टू से कि डेंसिटी में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि शॉर्टकट इफेक्ट में क्या हो रहा था, डेंसिटी पर इफेक्ट पड़ रहा था, डेंसिटी कम हो रही थी क्योंकि मास भी जो है कम हो रहा था, लेकिन इसके अंदर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स की, कि इसके फेमस एग्जाम्पल को। तो बात करें अगर हम इसके फेमस एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका बनता है जिंक सल्फेट AgCl, ये इसके फेमस एग्जाम्पल है, जिंक सल्फेट एंड AgCl इसके फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, यहां मैंने फ्रेंकल डिफेक्ट आपको समझा दिया है, शॉर्टकी डिफेक्ट समझा दिया है, ये दोनों के दोनों डिफेक्ट किस टाइप के थे, स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट थे। किस टाइप के थे, स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। अब हम कुछ दो पॉइंट जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, किसके किसके बारे में, फ्रेंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में हम दो पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे। वो क्या पॉइंट है मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंकल डिफेक्ट में और स्कॉटकी डिफेक्ट में, फ्रेंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, भले ही पहले वो इंसुलेटर होगा लेकिन बाद में वो कंडक्टर बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए शॉर्टकी में क्या होता है कि क्या होता है, सेम नंबर ऑफ एनायन एंड सेम नंबर ऑफ कैटायन जो है वो क्या होते हैं, अब्सेंट हो जाते हैं, और लास्ट में क्या क्रिएट कर देते हैं, होल, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाती है। सेम एज अगर मैं बात करूं फ्रेंकल डिफेक्ट में, तो फ्रेंकल डिफेक्ट में भी क्या होता है कि जो कैटायन या फिर कोई एनायन डिसलोकेट हो जाता है और पीछे क्या छोड़ देता है, होल, तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाती है। तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा कि जब भी किसी क्रिस्टल में, जब भी किसी सॉलिड में उनके स्ट्रक्चर में जब चेंज आता है तो वो कैसे हो जाते हैं, अनस्टेबल, कैसे हो जाते हैं, अनस्टेबल। तो ये दो पॉइंट है जो सबसे जरूरी पॉइंट है, कि जब भी किसी के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, जब सपोज टू भी कोई सॉलिड है उसके अंदर फ्रेंकल डिफेक्ट आ जाए चाहे शॉर्टकी डिफेक्ट आ जाए, तो क्या होना तय है, अनस्टेबिलिटी तो आएगी ही, और ये ऑब्वियस भी है, ठीक है। तो आई होप आपको शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई हो, ठीक है। आपको आई होप स्टोकियोमेट्री भी आज समझ में आ गया हो। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, तो थैंक यू सो मच।